मैं दमाम से आया हूँ इधर काम करने के लिए। हाँ, आप कैसे हो? सब अच्छा है? बांग्लादेश भी सब अच्छा है? कैसा काम शाम, कैसा है खेती बाड़ी का? कितना आसान है, कितना मुश्किल है, थोड़ा बताइए अभी इधर। शाम से मुश्किल है, सुबह सुबह थोड़ा काम करेगा अच्छा, शाम का टाइम पर। आपको कितने घंटे ड्यूटी होता है? ड्यूटी होती है या क्या मैं साहब? थोड़ी ज़्यादा वो डेयरी में काम करता हूँ। डेयरी में? उधर हाँ, डेयरी में क्या होता है, जानवर हैं को रखे? उधर बघार है दो तीन, अच्छा, बगल यानी बघार बघार मालूम है, जैसे गाय को बघार गाय बोलते रखा हैं। हुआ है इधर? हाँ सच में गाय जोता है दूध, जिस तरह अपने बांग्लादेश में काम करते हैं वैसा? अच्छा, दूध निकालता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया की वीडियो नहीं है, ये है सऊदी अरेबिया के अलहासा शहर में। आज मैं आपको दिखाऊंगा मजरे का काम कैसे होता है, किस तरीके करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सौंख, ये भी जानवर के लिए यहाँ पर बीजा जाता है और काटा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, और मैं आपको आपके दिखाता हूँ खेती बाड़ी यहाँ पर किस तरीके होती है सऊदी अरेबिया के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, माशाल्लाह दरख्त भी लगाए हुए हैं खजूरों के, उसके साथ साथ यहाँ पर भिंडियाँ भी लगाई गई हैं। भिंडियाँ सऊदी अरेबिया के अंदर सब्जी, देखें ये खजूर अब उग पड़ेगी, देखें हरी इसके अंदर हो चुकी है। तो किस तरीके यहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, किस तरीके पानी लगाया जाता है खेतियों को, कैसे वो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन बनाई जाती है, वो देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेन पैप है, जो देखें आगे आगे जाता है, और इसी तरीके यहाँ से पानी लगाया जाता है। देखें किस तरीके जॉइंट लगाकर, एल्बो लगाकर यहाँ से इधर जाना होता है, तो यहाँ से पानी डाला जाता है, इस तरफ पैप खोला जाता है, तो इसी तरीके से ही यहाँ पर पानी लगाना स्टार्ट कर दिया जाता है। सब्जियाँ भी लगाई गई हैं यहाँ पर भाईजान, और यहाँ पर खजूरों के दरख्त भी लगाए गए हैं। ये भी लोग बड़े सियाने हो चुके हैं भाईजान। आप सोचते हो कि हम पाकिस्तान के अंदर अमरूदों के बाग लगाते हैं और साथ साथ हम शटाला बीज लेते हैं या कुछ और सब्जियां भी लगा लेते हैं, तो इसी तरीके यहाँ पर भी भाईजान बहुत सारे लोग सियाने हो चुके हैं। यहाँ पर भी इंडियन पाकिस्तानी आकर शजरकारी करते हैं, यहाँ पर तनख्वाहें लेते हैं ना। तो देखें यहाँ पर क्या कुछ इसने बीजा है, ये शायद ये ज्वार है या कमाद है, ये बीजा गया है, और साथ साथ खजूरों के दरख्त हैं, और साथ साथ यहाँ पर भिंडियाँ भी हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये देखें ये भिंडी है, ये सऊदी अरेबिया की भिंडी है। माशाल्लाह यार क्या बात है। मैं पहली बार आपको खेती बाड़ी सऊदी अरेबिया के अंदर किस तरीके होती है, किस तरीके करते हैं, जैसे जैसे ज़मीन होगी वहाँ पर वैसे वैसे ही काम होता है। हम यहाँ पर एक दोस्त बैठे हुए हैं बांग्लादेशी भाई, हम थोड़ी गपशप करेंगे किस तरीके यहाँ पर काम होता है। और ये जो सौंख नज़र आ रहा है ना एक बूटा, ये खुद नहीं उगा, ये लगाया जाता है, उगाया जाता है, इसका बीज होता है, ये यहाँ पर ये जानवरों को डालते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर खेती बाड़ी का काम मज़ीद। आपको अगर देखना चाहते हैं तो सऊदी अरेबिया के हमारे आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मज़ीद हम आपको दिखाएंगे इसी तरीके किस तरीके यहाँ पर काम किया जाता है। ये देखिए, या शायद कमाद है या क्या, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमाद है। और आगे देखिए सौंख, और यहाँ पर सब्ज़ी, ये सौंख जो ज़्यादा हो चुका है और भिंडियाँ मर चुकी हैं। देखिए भिंडियाँ भी सब्ज़ी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो मर चुकी है। यहाँ पर मज़रे यहाँ पर माशाल्लाह देख सकते हैं, खजूरों के बाग भी लगे हुए हैं, और खजूरें आपको दिखाता चलूँ इसके ऊपर भाईजान, वो उसने ऐसे चोलियाँ बना दी हैं, वो जाली डाल दी है कि नीचे खजूरें गिरेंगी तो गंदा गंद पड़ेगा, यानी कि ख़राब होगा नीचे जो सब्ज़ियाँ बीजी गई हैं, तो इसलिए यहाँ देखो ताज़ा भिंडियाँ हैं। लेकिन बंदे को इतना टाइम नहीं, शायद उसने नहीं खोई, वो ख़राब हो चुके, पक चुकी हैं वो भिंडियाँ। में देखें ज़रा सामने, ये देखिए, ये भाई सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया। मैं आज खुद पहली बार दिखा रहा हूँ। हाँ देशी भाई, सलाम अलैकुम, क्या हाल है, कैसा है? सब बढ़िया है? कैसी सेहत तबीयत, कैसे हाल हवाल? यार आज मैं पहली बार मदरा में आया हूँ इधर, मैं इधर वो रूम है मेरा, इधर मैं दमाम से आया हूँ इधर काम करने के लिए। हाँ, आप कैसे हो? सब अच्छा है? बांग्लादेश भी सब अच्छा है? कैसा काम शाम, कैसा है खेती बाड़ी का? कितना आसान है, कितना मुश्किल है, थोड़ा बताइए इधर। अभी शाम से मुश्किल है, सुबह सुबह थोड़ा काम करेगा शाम अच्छा, का टाइम पर। आपको कितने घंटे ड्यूटी होता है, ड्यूटी होती है या क्या मैं साहब? थोड़ी ज़्यादा वो डेयरी में काम करता हूँ। डेयरी में? उधर हाँ, डेयरी में क्या होता है, जानवर हैं को रखे? उधर बघार है दो तीन, अच्छा, बगल यानी बघार बघार मालूम है, जैसे गाय को बघार गाय बोलते रखा हैं। हुआ है इधर? हाँ सच में गाय जोता है दूध, जिस तरह अपने बांग्लादेश में काम करते हैं वैसा? अच्छा, दूध निकालता है, सही है। कितना घंटे उधर काम करता है आप? सुबह 3-4 घंटा अपने आस पास का टाइम देखने में, फिर बाद में सब्जी वगैरह का काम देखना होता है। आप अकेले इतना बड़ा मजरा में काम कर रहे हो? दूसरा मजरा में इधर 10 मजरा है, 3 आदमी 10 मजरा के अंदर और 3 आदमी सिर्फ, सैलरी अच्छा मिल रहा है? 3 आदमी आते हैं।
माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे यार। 3,000 सैलरी, अच्छा है। अभी वो पानी डालने का बात होता है, उस दिया ले दूसरा काम मिलेगा इधर ही। नहीं, अगर पानी डालना होता है तो फिर आपको सैलरी ज़्यादा मिलता है, उसका पैसा ज़्यादा ज़्यादा मिलता है। अच्छा, उसके बाद चलो आओ आगे के थोड़ा देखते हैं। अच्छा सही, आपको 3,000 महीने का निकल जाता है। काम कितना आसान है या मुश्किल है का थोड़ा बताइए हमारे बांग्लादेशी भाई। एक पाकिस्तान काम तो बाकी करना पड़ेगा, मेहनत करके पैसा कमा सकते हो। और सब्जियां वगैरह अपनी खुद की यहाँ पर बीते हो अपने खाने के लिए भी? अच्छा अच्छा सऊदी लोग मतलब बेचते हैं, जिनका मतलब अपना खुद का मदरा है। यहाँ पर इसी तरीके पानी लगाया जाता है डेली। ये क्या बीजा हुआ है इसने? क्या ये भिंडियाँ हैं? ये क्या है? भिंडी है, लेडी फिंगर जिसको कहते हैं। और साथ साथ यहाँ पर खजूरें भी बाग लगाए गए हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त माहौल है यार। दिखाएगा मुश्किल नहीं, मैं उधर बगर दिखाएगा लोगों को, यानी भाई आपको गायल दिखाएगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर खेती बाड़ी का काम किस तरीके होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, माशाल्लाह, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान के अंदर घूम रहा हूँ, सच में हकीकत में। अच्छा ये क्या बीजा हुआ है जो इसके अंदर है, जो जवार है या क्या इसको बोलते हैं? हाँ हाँ घास बोलता है। अच्छा इधर भी पानी लगाया अभी? दोस्तों मैं दिखाता हूँ यहाँ पर पानी किस तरीके यहाँ पर लगाया गया है। देखो देखो किस तरीके बंदे ने पानी लगाया हुआ है यार, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें सऊदी अरेबिया है, ये तो देशी भाई जवार है, जवार हम इसको अपने मुल्क में जवार बोलता है, जवार बोलता है। इसको पानी लगाना चाहिए था, देखो कमरा रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। हाँ अभी तो 8 दिन के अंदर अंदर पानी लगाना चाहिए इसको, तभी ये बड़ा हो गए। देखो दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर काम किस तरीके होता है, मदरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखें खजूरें भी हैं और सैलरी भी अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 निकलता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान के अंदर घूम रहा हूँ यार हकीकत में। हाँ पूरा खजूर है, देखो ये देखें इसने इसको छिकू चढ़ा रखा है, जैसे वो जालियाँ होती है ना, जाली लगा दी है। खजूरें देखें अभी डोके पक रहे हैं, क्या बात है, वाह। और हमारे देशी भाई की हालत देखो, ये है प्रदेश के अंदर जिस तरह हम अपने डेरे के ऊपर काम करते हैं ना, मैं भी इस तरीके कच्छा पहन के या ऐसा मतलब पुराने कपड़े पहन के ऐसा काम करता रहता हूँ। तो यहाँ पर क्या रखा हुआ है? मुर्गी रखा हुआ है, माशाल्लाह। ये देखो सऊदी अरेबिया के अंदर भाई इस तरीके काम होता है। यहाँ पर देखिए खजूर पका हुआ है, माशाल्लाह यार बहुत मशहूर है हम आपके। देखो देखो दोस्त इतना खिदमत कर रहे कि हम दमाम से यहाँ पर आए हुए हैं, तो देखे हमारे लिए खजूर तोड़ रहा है। देखें माशाल्लाह यार, अल्लाह पाक इसको कामयाब करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लोगों देखो देखो यार, देखो सऊदी अरेबिया के अंदर किस तरीके यहाँ पर खेती बाड़ी का काम हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये है असली ताकत। बगर रखा हुआ इधर, मैं यार आज पहली बार ऐसा देखूंगा गाय सऊदी अरेबिया के अंदर। उसको क्या डालता है? ये वाला घास डालता है? अच्छा ये वाला घास भी डालता है, वो वाला हरा भी डालता है। अभी क्या डालेगा? ये देखो जी गाय के लिए लेकर जा रहा है भाई। हमारा भी इसी तरह डेरा है, जिस तरह हम ये डेरा आप देख रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान के अपने डेरे पर घूम रहा हूँ। ये पानी वाला बोर है, ये देखो यार पानी वाला सिस्टम है यहाँ पर। ये देखो जहाँ जहाँ पानी लेके जाना होता है इस तरीके पानी लग रहा है यहाँ पर। ये देखो माशाल्लाह होड़ी बनी हुई है पानी वाली। यहाँ पर भी दिखाते हैं चलो आपको, यहाँ पर भी देखो होड़ी बनी हुई है पानी वाले जानवरों के लिए। माशाल्लाह देखिए, अच्छा चार रखा हुआ है अभी। देखो दोस्तों मैं आज पहली बार गाय देख रहा हूँ, पहली बार सऊदी में देखा 12 साल में। देखो घास सूखा वाला घास खा रहा है, वो रस वगैरह डालता है जो कुछ भी, सब खा जाता है,
वो बंद वगैरह शवारमा ये सूखा खा रखा जाता है। देखो यहाँ पर देखो सऊदी अरबिया के अंदर भाई गाय भी रखा हुआ है देशी भाई ने। ये दूध देती है इनमें से? अच्छा बच्चा है अभी। हाँ मेरे व्यूवर्स, मैंने भी ये पहली बार सऊदी अरबिया के अंदर देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अपने गांव में घूम रहा हूँ, अपने डेरे पर घूम रहा हूँ। किस तरीके माहौल है यार, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा माहौल है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा मैं सऊदी अरेबिया के अंदर घूम रहा हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा सच में दोस्तों। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं आज पाकिस्तान के अंदर अपने डेरे के ऊपर हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रीजर यहाँ पर ख़राब पड़ा हुआ है, तो ख़राब है वैसे यहाँ पर, तो डेरे के ऊपर पड़ा हुआ। देखिए यहाँ पर खजूरें हैं यार, देखो कोई भी आपकी मनपसंद है खाना चाहते हो यहाँ से खा सकते हो, लेकिन इतनी खजूरें नहीं मैं खाना चाहता जितनी सेहत हो उतने खाना चाहिए। मैं आपके लिए सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ कि सऊदी अरबिया के अंदर खेती का काम कैसे होता है, ये देखिए खेती बाड़ी कैसे होती है, किस तरीके करते हैं यहाँ पर। साथ साथ बुढ़िया ने भाई ने खजूरें दी हैं, वो मैं खजूरें खा रहा हूँ। किस तरीके देखो अपने मुल्क के अंदर हम खाल डालते हैं, पानी उस खत्ते को लगाना है, उस पैली को लगाना है, तो इसी तरीके सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसने ज्वार काट दी है, ये वह देखिए साथ साथ खजूरों का दरख्त भी ऊपर है। बन्ने के ऊपर जिस तरह हमारे किक्कर टाली पिपल कोई बूटा होता है ना, इसी तरीके यहाँ पर कुछ एक लाइन पर लगाई गई हैं यहाँ पर, उसके बाद सेंटर में पहली है ये देखें। और टाके के दातरी पई होनी है तेरी, इस तरह आने वो थे जा पठे वड कर लाया, टाके की दातरी होनी है। वेखो देखो आज मुझे पाकिस्तान की याद आ रही है, देखो ये टक है जी यहाँ पर, तो ये किस तरीके शायद हम जिस तरह टक के ऊपर दातरी छोड़ देते हैं ना थोड़ी आगे करके फेंक के, तो यहाँ पर भी छोड़ी होगी कि नहीं इसने, लगता नहीं दातरी नहीं छोड़ के गया। दोस्तों पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी भाइयों यहाँ पर खेती बाड़ी का काम देखो आज यार क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं भी आज पहली बार देख रहा हूँ इस तरीके। साथ साथ खजूरों का बाग है और साथ साथ यहाँ पर ये ज्वार वगैरह भी है। इस मदरा के अंदर भाई जान उसने बकरियां भी रखी, बेड़े भी रखी हुई हैं, बेड़े शायद मालूम नहीं है बेड़े बकरियां, लेकिन मुर्गियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भाई जान और गाय भी मौजूद हैं, और पानी शानी भी इस तरीके लगाता है यहाँ पर, तो सैलरी लेता है 3000 रियाल माशाल्लाह। और काम इतना नहीं है, 3-4 घंटे उसने काम बताया जी, काम इतना कोई मुश्किल तो है नहीं यहाँ पर माशाल्लाह, क्या बात है यार यहाँ पर। मुझे तो आज अपने मुल्क पाकिस्तान की याद आ रही है सच में हकीकत में। एक तो भाईजान यहाँ पर अपने सब्जी ताज़ा लेके जा सकता है बंदा, और उसके बाद अगर सऊदी में काम करते हो मदरा के अंदर, तो ताज़ी खजूरें आपको खाने को मिलेंगे, अंडे ताज़े मिलेंगे, मुर्गियाँ रखी होंगी, बेड़े रखे होंगे और गाय वगैरह दूध हर चीज़ आपको ताज़ी मिल रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखें जी पानी इस तरीके यहाँ पर लगाया जाता है, पाइप खोलते हैं, वाल दिखा देता हूँ, वाल भी ये वाला वाल है, ये वाला वाल ओपन करेंगे और पानी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जिस जिस पहली को लगाना होगा, जिस जिस खती को लगाना होगा, इसी तरीके आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ज्वार दिखाता हूँ जिसके अंदर पानी लगा हुआ है, पहले भाई ने थोड़ी देर पहले लगाया हुआ है और इस तरीके पहले ये पीच रही है, देखिए ये पानी चल रहा है, इस तरफ से आ रहा है पानी,
तो ये वाला मजरा है, दूसरा वो किसी और बंदे का है, ये वाला मजरा किसी और बंदे का है। यहाँ पर देखिए, हर बंदे ने जिस तरीके अपना अपना मालिक एक डेरे का दार डेरेदार होता है ना, इसी तरीके सऊदी अरबिया के अंदर भी डेरेदार होते हैं। यहाँ यानी अपनी अपनी ज़मीन खरीदी होती है, वहाँ पर अपना अपना मजरा बनाया होता है, फलां बंदे का है जी, फलां बंदे का है जी। इसी तरीके यहाँ पर भी सऊदी अरबिया के अंदर भी यही हिसाब है भाई जान। यहाँ पर दिखाता चलूँ आपको, इस खती को भी इस यहाँ पर पानी लगाया होता है। वैसे पानी लगाना चाहिए, अभी इसको पानी चाहिए, जवार को पानी चाहिए। इस वाले को तो लाजमी लगाना चाहिए था, इस बंदे ने लेट किया पानी। और यहाँ पर आप देखें, इस पहली का जो वार है यहाँ पर लगा हुआ है जो पानी। यहाँ पर खेती बाड़ी करनी आसान है, अपने मुल्क से बहुत आसान है यहाँ पर भाई जान, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है खेती बाड़ी करना। माशाल्लाह दोस्तों और प्यारे भाइयों, अगर मज़ीद हमारे चैनल के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं सऊदी अरबिया की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। हम इंशाल्लाह इसी तरीके से लाइव आपको दिखाएंगे वीडियो यहाँ पर, जिस तरीके सऊदी अरबिया के अंदर किस तरीके काम होता है, जो आपको एजेंट झूठ बोलते हैं या किस तरीके वीज़े बेचने वाले आपके साथ ड्रामेबाजी करते हैं, हम आपको सऊदी अरबिया के अंदर से लाइव दिखा रहे हैं कि सऊदी अरबिया के अंदर देखो आज खेती बाड़ी किस तरीके होती है यहाँ पर, और कितने घंटे ड्यूटी होती है। आपने इस वीडियो के अंदर सुन लिया है खुद ही कि सैलरी कितनी मिलती है और काम कितने घंटे यहाँ पर करना होता है, ये लाइव आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें, खजूरें भी हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, और सीढ़ी भी लगी हुई है, छत के ऊपर भी जाना होता है, सुकून से चला जाता है बंदा यहाँ पर। यहाँ पर एक डेरे के ऊपर काम करना और 24 घंटे लाइट का रहना एक बड़ा अजूबा है। अगर पाकिस्तान के अंदर रहते हो तो आपको ये बिजली वगैरह की सहूलत तो बड़ी मुश्किल से मिलने वाली। लाइट तो आपके डेरे के ऊपर होगी, लेकिन बिजली कभी आए कभी जाए, लेकिन सऊदी अरबिया आपको 24 घंटे बिजली मिले, इससे बढ़कर और आपको क्या चाहिए। माशाल्लाह देखिए यहाँ पर ये डेरा है जी, यहाँ पर गाय रखी हुई हैं जी, खजूरें यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके जहाँ पर मैं जो रास्ता देख रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर ऐसे रास्ते बने होते हैं अपने डेरे के ऊपर जाने के लिए। माशाल्लाह चलें दोस्तों, दीजिए इजाज़त, एक अगले व्लॉग में हम आपके साथ हाजिर होंगे। मोहम्मद असद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आज थी वीडियो हमारी अल हासा शहर से सऊदी अरबिया में, अल्लाह हाफिज़।